लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर डीजीपी ओपी सिंह को सेवा विस्तार मिल सकता है। तो गृह विभाग ने केंद्र को एक फाइल भेजी है जिसमें 3 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है। 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी ओपी सिंह, और ऐसे में फिलहाल उनके सेवा विस्तार की चर्चाएं जो है वो जोरों से चल रही है। 3 महीने का बताया जा रहा है कि सेवा विस्तार जो कि उनको मिल सकता है। तो 1983 बैच के आईपीएस हैं ओपी सिंह। तो 31 जनवरी को बता दें कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन विस्तार उनकी सेवा का हो सकता है, ऐसी जानकारी गृह विभाग ने केंद्र को ये फाइल भेजी है जिसमें इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो हालांकि देखना होगा कि क्या अनुमति केंद्र की तरफ से गृह विभाग की भेजी गई इस रिपोर्ट में मिल पाती है या नहीं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से, जिसमें डीजीपी ओपी सिंह को लेकर एक खबर है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सेवा विस्तार ओपी सिंह को मिल सकता है। वजह इसके पीछे क्या कि आखिरकार 3 महीने का ही सेवा विस्तार क्यों उनको दिया जा रहा है, इसको लेकर अभी हालांकि फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में शायद लाजमी कि ऐसे में सेवा विस्तार किया जा रहा हो। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और नरेंद्र यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी, वजह क्या इसके पीछे कि 3 महीने के सेवा विस्तार को लेकर चर्चा है? देखिए, डीजीपी ओपी सिंह का जो है रिटायरमेंट है 31 जनवरी को, लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को फाइल भेज दी गई है उनके सेवा विस्तार के लिए, और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है। ये 3 महीने या 6 महीने का ओपी सिंह का सेवा विस्तार माना जाएगा। इससे पहले भी योगी सरकार ने जो है पूर्व डीजीपी जो रहे हैं उनको भी सेवा विस्तार दिया है। इससे ये आकलन लगाया जा रहा है कि जल्द ही गृह मंत्रालय केंद्र सरकार से परमिशन मिलने के बाद ओपी सिंह का सेवा विस्तार किया जाएगा, और ओपी सिंह लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद करने का दावा कर रहे थे। वजह क्या है इसके पीछे कि आखिरकार ये विस्तार जो है सेवा का किया जा रहा है, और क्या वजह हम ये भी माने जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है सरकार, तो ऐसे में ये कानून व्यवस्था बनी रहे और उसको बेहतर किया जाता रहे, इसके लिए ये हम वजह माने इसको? देखिए, ओपी सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी हैं, और तमाम अहम फैसलों में ओपी सिंह की एक राय है, उनका एक बड़ा रसूख है प्रदेश सरकार में, और समय समय पर वो जो है पुलिस सेवा में तमाम तरीके के बदलाव करने की बात हो चाहे उसमें सुधार करने की बात हो, काफी उन्होंने काम किया है, और अभी किसी का बड़ा नाम नहीं आया है सीएम के काफी विश्वास पात्रों की सूची में ओपी सिंह का नाम है। इसी को लेकर के ये बात कही जा रही है, जो अब तक खबर आ रही है कि इनकी फाइल भेज दी गई है। हालांकि उच्च अधिकारी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के, वो मना कर रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर है ये कि केंद्र सरकार को उनकी फाइल भेजी गई है और ओपी सिंह को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, वो उनके कार्यों को लेकर ही होगा। विपक्ष भले ही उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हों, लेकिन योगी सरकार या प्रदेश सरकार जो इस बात से संतुष्ट है, जिस तरीके से प्रदेश में उग्र प्रदर्शन हुए, सीएए को लेकर उसको कंट्रोल करने में डीजीपी का, ओपी सिंह का काफी अहम रोल रहा है, और उनके रहते हुए पुलिस सेवा बेहतर हुई है, कहीं ना कहीं वो काफी विश्वास पात्र हैं प्रदेश सरकार के, और उनकी इसी विश्वास पात्रता को देखते हुए उनकी फाइल को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया है, और वहां की मंजूरी के बाद इनको सेवा विस्तार दिया जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से लखनऊ से, जहां पर डीजीपी ओपी सिंह का सेवा विस्तार बढ़ाया जा सकता है।